अभी गाड़ी खाली होना ही स्टार्ट हो गया, अभी सेलिंग डाला जा रहा है माल में। और ये भाव ड्राइवर भाई, चलो मैं बैठता हूँ थोड़ा हैड्रा में। गाड़ी बहुत मस्त है लेकिन हैड्रा। और ये गियर, अभी रिवर्स गियर में गाड़ी है। अच्छा अच्छा, हाँ लेफ्ट राइट भी चाहिए। हाँ हमारी गाड़ी खाली हो गई है और हम रिसीव लेने के लिए आए हैं। और अपना आप देखते हैं, अब लोडिंग के लिए अब डाला वाला बांध दिया है, तो चलते हैं फ्रेंड्स मोड़ पे। ये पूसद हिंगोली रोड है, देखिए वो गाड़ी जा रही है। कुछ खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो हम रात को यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि रात इसी होटल में हम लोग खाना खाए और इसी मोड़ पे अभी तक है। हमारी गाड़ी जो है इस रोड में 2 किलोमीटर आगे खाली होगी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं, गाड़ी को भी स्टार्ट कर लिए हैं क्योंकि बैटरी प्रॉब्लम है हमारा, तो पहले चेक कर लिया, स्टार्ट हो गया है। रात को यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा था और 2-4 दुकानें हैं बस। इधर एक चाय की दुकान है और ये रहा मोड़, इस साइड पूसद जाएगा और ये शायद वासिम हिंगोली वाले रोड पर जाएगा ये रोड। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग चाय वाय पी लेंगे, फिर अपने जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे गाड़ी को लेके चलते हैं। इसी रोड में जाना है 2 किलोमीटर। इधर गाड़ी खाली होगी 2 किलोमीटर आगे इस रोड पे। गांव बताया होगा ना उसने? हाँ वो कौन, सावर गांव। हाँ वो सावर गांव में हम कल रुके थे। हाँ तो रिटर्न बोला तुमको, गाड़ी खाली नहीं हो पाई नाइट में, तो उधर उधर ढाबा है ना। इधर खाने के वास्ते आए, खाना खा लिया, अभी चलते सुबह जाते हैं। उस गांव का घूमे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी केला लाया आधा दर्जन। कैसे दर्जन दिया अमित? 40 रुपये दर्जन, मतलब ये 40 का है। चलो बाकी हम 2 ले लेता है, और कितना बचा है इसमें? 4 बचा है। खाना फिर शाम को ले लेंगे, और यहाँ से खाकर चाय पीकर हम चलते हैं इस रोड में जहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होगी। बाजार से 2 सामान लाया, पहले केला फिर खैनी। तो पहले केला खाना चाहिए कि पहले खैनी, वही सवाल हमने उनसे किया। 8:45 हो रहे हैं और हम लोग चलते हैं जहाँ पे गाड़ी खाली होगी। यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग है, तो क्योंकि वो 9 बजे आने वाले हैं उधर से क्रेन लेके चले गए हैं कल, जहाँ हम खड़े थे पानी टंकी के पास, तो उधर से 9 बजे आने वाले हैं। हम भी यहाँ से चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं पॉइंट पे। हम पहुँच गए घोड़े सावरगर। कल हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी सारा दिन इसी जगह पे, तो चलिए और भी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाना है। फाइनली हमारी गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे पहुँच गई, गाड़ी अभी हमारी यहीं पे खाली होगी। देख लीजिए आगे पाइप भी पहले से खाली हुआ है, और इस साइड हैड्रा जा रही है, हैड्रा मोड़ से घुमा के आ रही है, और हैड्रा का भाई लोग यहाँ बेल्ट रखे हुए हैं, देखिए बाजू में। हम लोग भी अब अपना बेल्ट खोलते हैं, 4 बेल्ट है, खोल लेंगे बढ़िया से। सभी गाड़ी खाली होना स्टार्ट हो गया, अभी सेलिंग डाला जा रहा है माल में। क्या बोलते हैं इसको, बेल्ट? वही सेलिंग का ही काम करता है। और ये भाव ड्राइवर भाई, चलो मैं बैठता हूँ थोड़ा हैड्रा में। गाड़ी बहुत मस्त है लेकिन हैड्रा। मैं भी बैठ गया हूँ अभी हैड्रा में, और गाड़ी खाली करवा रहे हैं आराम से। और ये गियर, अभी रिवर्स गियर में गाड़ी है। आर और ये ऑपरेटर साहब, क्या बोलते हैं ड्राइवर की ऑपरेटर? रिवर्स 4 है, क्या क्या, अप डाउन आगे पीछे? लेफ्ट राइट। अच्छा अच्छा, हाँ लेफ्ट राइट भी चाहिए। उठाने का। तो देखिए अभी पहला सेलिंग डल गया है, अभी किरान से माल उठाया जा रहा है, और किरान का नाम है AK क्रेन सर्विस, शायद यहाँ पे फोन नंबर भी लिखा गया है। देखिए बड़ा थोड़ा ये खतरनाक होता है माल गाड़ी खाली करने के टाइम, देखिए वो पाइप कैसा हो गया, अगर वो स्लिप हुआ तो नीचे भी गिर सकता है। लेकिन डबल सेलिंग डालना था यहाँ पे, सिंगल से डबल सेलिंग डाले तो अच्छा रहता ना। ओहो हो, ठीक है, आराम से आराम से आराम से। हाँ
दोस्तों हमारी गाड़ी खाली हो रही है, मतलब हो ही गई है, और इसमें लगभग 100 पीस के हिसाब से माल बचा है। तो चलिए खाली करवा लेते हैं, और दिन के 12 बजने वाले हैं। और भाऊ कैसे सुनाई दे रहा है? और हमने दो ट्रांसपोर्ट में बात किया है, एक चंद्रपुर और एक औरंगाबाद, दोनों के बीच में है गाड़ी। इधर सामने नांदेड़ भी है, तो देखते हैं कहीं से जहाँ से माल होगा वो पकड़ लेंगे। एक बार नांदेड़ ट्रांसपोर्ट को भी फ़ोन कर लेते हैं, इधर से कोई माल वाल होगा तो बता देंगे। ऐसे आज संडे है, कुछ नहीं पता चलेगा, पर अगर कल का डीओ होगा तो शाम तक पता चलेगा। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी खाली हो गई है और हम रिसीव लेने के लिए आए हैं, और रिसीव हमारा ये बन चुका है, ऑपरेटर बाबू के पास है, तो वो फोटो वीटो ले रहे हैं, क्यों आगे भेजना पड़ता है इनको भी। फिर हम अपना रिसीव लेते हैं और गाड़ी खाली हो गई है, सजा रहा है अमित, और फिर हम लोग डाला वाला लगा के और अपना आप देखते हैं। अब लोडिंग के लिए अब झंझट है, तो गाड़ी हमारी खाली हो गई है और अमित जो है ऊपर में रस्सा सजा रहा है। अभी डाला हम लोग लगा दिए हैं, बत्ता वत्ता लगा लेते हैं, फिर यहाँ से आगे चल के मोड़ पे वहाँ पे रुक जाएंगे, और फिर डीओ का इंतजार करते हैं शाम तक। फिर जहाँ पे डीओ होगा फिर वहाँ ले चलेंगे, तो पहले चलते हैं। डाला वगैरह तो लग गया है, बत्ता लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बत्ता वगैरह सब लग गया, डाला वाला बांध दिया है, अब यहाँ से चलते हैं सामने मोड़ पे। मोड़ 2 किलोमीटर है, वो सामने पहाड़ी पे है, आप लोग को दिखता होगा उधर पहाड़ी, देख लीजिए उसी पहाड़ी पे है। तो चलते हैं फ्रेंड्स मोड़ पे, वहीं पे कुछ नाश्ता वगैरह मिलेगा तो कर लेंगे। अब तो खाना खाने का टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। हम लोग आ गए मोड़ पे और यहाँ पे गाड़ी लगा दिए हैं, और ये है मोड़, ये पूसद हिंगोली रोड है, देखिए वो गाड़ी जा रही है। तो चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, भूख लग गई है, टाइम 1 बजने वाला है, और इस साइड है दुकानें। तो हमने कटलेस ले लिया है, और मिर्ची है, और ये है, तो चलिए खाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं पूसद के तरफ, 3 किलोमीटर जाने के बाद मतलब घाट जो है उतरने लग जाता है। घाट पे नेटवर्क नहीं है बढ़िया से, अब एक वीडियो डाला हूँ लोडे नहीं हो रही है, वीडियो 10 बजे का डाला हुआ है। तो चलते हैं जहाँ पे घाट खत्म होगा, जहाँ पे घाट खत्म होगा मन उतारी लगेगा उधर नेटवर्क आएगा, फिर उसी जगह पर रुकेंगे। फ्रेंड्स शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दिए। वो सामने घाट दिखाई दे रहा होगा आपको, और घाट का नीचे उतरे, नीचे उतरे तो यहाँ एक मंदिर है ऊपर में, देख लीजिए वो मंदिर है माता रानी का। तो यहाँ बड़ी माने भजन कीर्तन हो रहा था थोड़ी देर पहले, और लोग दर्शन करने भी बहुत आ रहे हैं। और इस साइड ये घाट है, इस घाट के हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे आए तो ऊपर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, यहाँ आए तो नेटवर्क बहुत फास्ट मिला, हमें वीडियो लोड करना था, तो सब लोड हो गया है। अब शाम के 5 भी बज गए, अब चलते हैं खबर उबर लेते हैं ट्रांसपोर्टरों से। एक जगह तो फ़ोन किया था, अभी तक कुछ बताया नहीं, बोले अभी तक कुछ आया नहीं। अब दूसरी जगह चंद्रपुर है, तो उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ से सामने 5 किलोमीटर आगे पूसद गाँव है, तो अब चलते हैं वहीं पूसद में, रुकेंगे चाय वगैरह पियेंगे,
चलते हैं। दोस्तों हम लोग बना रहे हैं रेड टी, तो चलिए भाई बना के पीते हैं। अब होटल पता नहीं, एक होटल है भी सामने नक्षत्र, तो वो सिर्फ रोटी चावल खाना के लिए है, चाय नहीं मिलता है वहाँ पे। फ्रेंड्स हमारा चाय बन गया, अमित पी लिया है और मैं पी रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स रात के 8 बजने वाले हैं और हम लोग इसी पेट्रोल पंप पे अभी गाड़ी खड़ी रखे हैं, देखते हैं रात में अंदर लगा देंगे, क्यों रोड के किनारे सही नहीं रहेगा, मतलब सेफ्टी नहीं है। चलता हूँ मैं खाना खाने के लिए, सामने होटल है। यहाँ अमित तुम उपवास चल रहा है, वो केला वगैरह था वो वही खा के रह रहा है। फ्रेंड्स हमारा खाना लग चुका है और ये है दाल और ये है चपाती, इसको चपाती बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में, और यहाँ प्याज है, सलाद है, तो चलिए खाते हैं। अब अकेले खाना है, क्या करें, खा लेते हैं। बढ़िया बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और सुबह के 8 बज रहे हैं। कल हम लोग शाम को यहाँ पर आ गए, आप लोग देखें, और रात भर इधर ही सो गए क्योंकि हमारा लोडिंग का ऑर्डर नहीं हुआ, कल संडे था, ऊपर से नवरात्र चल रहा है, लोग अपने घर में पूजा त्यौहार मना रहे हैं, तो ये पूजा के टाइम में थोड़ा ऐसा मंदा आ जाता है। तो चलिए आज देखते हैं, आज सोमवार है, आज कुछ होगा, कहीं अगर ऑर्डर मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। और सारा रात हम लोग यहीं पर बिता दिए, यहाँ पहले से गाड़ी था भी, और ये गाड़ी ड्राइवर जो है ज़रा पहचान का है, मैं बताऊँगा। ये भाई हमें मिले थे गोजाडांगा बॉर्डर में, ये शायद हल्दी लेकर गए थे, और सब्सक्राइबर भी है, वो मिलने आए थे कल, तो हम लोग देखे कि चलो अच्छा है, पहचान के जहाँ लोग मिल जाते हैं वहाँ रुक जाना चाहिए। चाय वगैरह का दुकान नहीं है और हमारे पास चाय पत्ता भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, तो देखते हैं पास में दुकान होगी तो चाय पत्ती चीनी लेके आते हैं। मैं ज़रा पैदल में जा रहा हूँ, इस साइड गांव है, देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो, किराना दुकान तो होगा ही गाँव में, तो देखते हैं क्या मिलेगा इस साइड। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया चाय के बनाने का सामान और थोड़ा दही भी लिया है, चूड़ा लिया है, तो अब चलते हैं, आते हैं। तो फ्रेंड्स ये रोड जो है वासिम हिंगोली जा रहा है, और ये देख लीजिए हल्दी का खेती, इस तरीके का हल्दी का खेती होता है, और इस क्षेत्र में वासिम और हिंगोली में सबसे ज़्यादा हल्दी का मतलब खेती होता है। जो हम लोग हल्दी लोड करते हैं गोजाडांगा का, ज़्यादातर वासिम हिंगोली और नांदेड़ इसी बीच में हम लोग हैं, यहीं से लोड होता है। अब हम लेकिन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हल्दी नहीं लोड करेंगे, ऑलरेडी हमारी गाड़ी आने में आज 10वां दिन है, अगर यहाँ से लेके गए हल्दी या जाके 5-10 दिन खड़ा हो गई बॉर्डर में फंस गई तो और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए बढ़िया माल कोई देखते हैं, दो पैसा कम बचे लेकिन सही सलामत जाके खाली हो जाए। आ गए गाड़ी के पास, वो रही हमारे गाड़ी सामने। तो फ्रेंड्स हमारा चाय बन रहा है और उसमें दूध डाल दिए हैं, अब चीनी डाल देते हैं, और ये रही चाय पत्ती। और चलिए अब तो यहाँ पास में दुकान भी खुल गई चाय वाली, अभी हम दूध लेके आ गए, चीनी लेके आ गए, बोले बना लेते हैं, भाई दूध खराब हो जाएगा, बहुत गर्म है। दही भी लेके आया हो, इसमें दही है और ये है चूड़ा, तो देखते हैं दही चूड़ा खा लेंगे। तो दोस्तों हमारा चाय बन गया, अभी चाय गिलास में पी रहे हैं और अमित जो है उसी प्लेट में पी लेगा। हमारा चाय पीना हो गया, अब चलते हैं, 4 दिन हो गया नहाए नहीं है भाई, नहाने का जगह ढूंढते हैं, और इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।